करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं मन्दे श्रीगुरुं कृपया क्षमतां अपराधिनं तलु सायुत सत्य सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनम् जीवनाय जाने सुनीते सुनीते सो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्ण उपजीवे अति बुझी वे रसनीति सुनिले हरि करुणे कृष्णदास कविराग रचित भगत मान जे कलो चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला सुनते भाषा सुना कहाते हरि कृष्णेर स्वरूपेर हरे छड़ विज विलास प्रभाव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश भगवान कृष्ण छह प्रकार से विलास करते हैं। इससे पहले हमने वो छह प्रकार का जो है विलास के बारे में सुना था कि कैसे वो छह प्रकार प्राभव और वैभव जिन सबकी हरि तुल्य सच्चिदानंदमय मूर्तियां हैं एवं जो सब परावस्था से किंचित न्यून है शक्तियों के तारतम्य से प्रवता की प्रबलता व प्रभाव प्राभव और विभुता के प्रावल्य से वैभव संध्या होती है। प्राभव प्रकार दो प्रकार के हैं। प्रथम का प्रकार का प्राभव है सदैव कायम है, उदाहरण मोहिनी हंस शुक्ल और चिर अचिर स्थायी अवतार, ये सब युगों के अनुगत है। द्वितीय प्रकार के पराभव की कीर्तियों का अतिशय विस्तार नहीं है, उदाहरण का धनवंतरी ऋषभ व्यास दत्तात्रेय रघुनाथ पूर्व से नर नारायण बढ़ा है वे कृष्णि गर्भ बलदेव यज्ञ विभु सत्य सिंह हरि वैकुंठ अजित बामन बसार विश्वक्सेन धन से सुधामा योगेश्वर एवं भेदभान ये चतुर्दश मंत्र पढ़ यहाँ पे चर्चा चल रही है भगवान की शक्ति। हम लोग भगवान सर्वशक्तिमान हैं, कैसे हैं क्या है कोई नहीं जानता, और जानने की इच्छा भी नहीं होती। भगवान है जो है, लेकिन कोई अगर हमको आकर समझाने लग जाए कि जिसकी तू उपासना करता है जिसका तू भजन करता है और वास्तविकता में उसकी कोई शक्ति नहीं है, वो तो अवतार है, तो फिर क्या करोगे, उसका कोई वो नहीं, समझ में नहीं आएगा। उधर मत दे,
इसलिए यहाँ पर भगवान छह प्रकार के रूपों में विलास करते हैं। विलास करने का मतलब जैसे आदमी घर में होता है, वही आदमी कोर्ट में, वही आदमी यार दोस्तों में, वही आदमी अपने बिजनेस में अलग अलग तरह का रूप रखता है, ये उसका विलास है। अलग अलग रूप, अलग अलग वैभव, अलग अलग तरह का उसका प्रभाव होता है, ये विलास है। लेकिन जब अपने घर में होता है तो कोई विलास नहीं होता, वो फिर लाश होता है, प्रेम होता है। वो प्रेम का रूप है कृष्ण स्वयं, और भगवान की विलास मूर्तियाँ जो हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। उसमें भी दो रूप का विशेष प्रकाश देखा जाता है, एक है पराभव, एक है वैभव। जो पराभव है वो प्रभु की प्रभुता से संबंधित है, और जब वैभव है भगवान की विभुता से संबंधित है। विभु, विभु मतलब बड़े से बड़ा, और प्रभु की प्रभुता प्रभुता की जो प्रबलता है, भगवान भगवान हैं, वो सबके कर्ता धर्ता हैं, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस बात की जो प्रबलता है उस पर डिपेंड करता है कि पराभव, कहते हैं ना किसका किसी का पराभव इतना है, पराभव मतलब उसका प्रभाव, उसका ताकत। तो भगवान की पराभवता का यहाँ पे वर्णन किया है। कैसे हैं पहला जो पराभव है, पराभव दो प्रकार के हैं। देखिए पहले वाला दो प्रकार का प्रकाश है, एक है पराभव एक है वैभव। और पराभव अब बता रहे हैं दो प्रकार के कैसे हैं। कहते पहला जो पराभव है, पहला जो प्रभाव है भगवान का, भगवान की भगवत्ता का, प्रभुता का, मलकियत का, जो उनका प्रभाव है वो पहले वाला स्थाई नहीं है। भगवान स्थाई है तो उनका प्रभाव भी स्थाई होना चाहिए, कहते नहीं। भगवान ने कहीं कहीं अपना पराभव दिखलाया, जो शक्तियाँ दिखलाई उनका विस्तार नहीं, जैसे धन्वंतरी रूप ना, मोहिनी, भगवान का मोहिनी रूप, इसमें भगवान ने अपना प्रभाव दिखलाया, अपना प्रभुता दिखलाई। हंस रूप, शुक्ल रूप, ये सब चिरस्थायी अवतार नहीं, हमेशा नहीं रहेंगे, वे समय को करेंगे, ये अवतारों की तरह आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। और दूसरा प्रकार का जो पराभव है कि कीर्तियों का अतिशय विस्तार नहीं होता, जैसे और जो भगवान के अवतार हैं उनका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता, लेकिन है भगवत अवतार, समझ रहे हैं ना बातों को। आपने अभी निकलना है, अभी निकलना है आपने, तो इसलिए ना, नहीं तो आप सामने बैठते तो ढंग से समझ नहीं आता, जब व्यक्ति भूला होता सामने से उसको जल्दी समझ में आता। तो कितने में निकलते अपना 10 बजे तक चलेगा। तो कहते हैं दूसरे तरह का जो पराभव है, भगवान की कीर्तियों का अतिशय विस्तार उसमें नहीं होता। जैसे भगवान के अवतार धन्वंतरी, तो भगवत अवतार ही कला अवतार, ऋषभ देव, भगवान ऋषभ जो जैनों के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, मालूम है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, सबसे पहले जो अवतार हैं उनके, जो ऋषभ देव हैं, वो अवतार भगवान विष्णु के लिए। व्यास देव विष्णु के अवतार हैं, दत्तात्रेय जी, कपिल भगवान ये विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। लेकिन इनका प्रभाव, इनकी कीर्ति
का विस्तार नहीं हुआ। पूर्व मत्स्य नर नारायण ग्रहण हयग्रीव कृष्णी वंश कृष्णी गर्भ बलदेव यज्ञ विभु सत्यसेन हरि वैकुंठ अजित बामन सार्वभौम ऋषभ ऋषभ विश्वक्सेन और विश्वक्सेन दोबारा सत्यसेन धर्म सेतु सुधामा योगेश्वर एवं गृहधान ये 14 मन्वंत्र भगवान के वैभव अवतार। हमने अभी पहले कौन सा सुना? पराभव और वैभव। पराभव के बारे में सुना जिनका प्रभाव है और एक का जो स्थायी प्रभाव नहीं है, एक ग्रुप का स्थायी प्रभाव नहीं और एक ग्रुप का प्रभाव रहता है, जिसका स्थायी प्रभाव नहीं है उसमें मोहिनी हंस शुक्ल इत्यादि भगवान के अवतार में। जिनका स्थायी प्रभाव है किसी से बन के नहीं आ रहे भगवान से डायरेक्ट, जैसे चौदह मनु हैं, चौदह मनुओं का नाम यहाँ दिया है। जो मनु हैं वो मनुओं के राज्य में एक एक अवतार होता है। स्वयंभू मनु के राज्य में कूर्म मत्स्य नर नारायण वराह हयग्रीव कृष्णिगर्भ बलदेव यज्ञ विभु सत्यसेन हरि वैकुंठ ये सब जितने अवतार हैं ये वैभव भगवान। वैभव का मतलब हमने अभी सुना था क्या था? विभुता, विभु तो अनु होता है, विभु होता है। भगवान की विभुता का परिचय, भगवान कितने फैले हैं, कितने तरीके से फैले हैं, भगवान का शक्ति कैसे फैली हुई है, वो है वैभव। भगवान का वैभव अंश शक्तावेश रूपे द्विविध अवतार बाल्य पुगंड धर्म द्वित प्रकार कहते। अंश आवेश और शक्तावेश अवतार की कथाएं अन्य स्थान पर वर्णित हुई हैं। ये सब प्रभाव, ये सब पराभव वैभवों में गिने जाते हैं। अंशावेश और शक्तावेश दो प्रकार के और अवतार कहे हैं। एक है अंशावेश। अंशावेश का मतलब भगवान का कोई अंश किसी में प्रवेश कर जाए। जैसे भगवान नरसिंह देव किसी साधक की साधना से प्रसन्न होकर उसके भीतर अपना अंश हो जाए, अंश रूप से प्रकट हो और वो फिर उसका रूप देखने वाला होता है। उसके अंदर जो क्रिया होती देखने वाली होती, समझने वाली नहीं होती, समझी नहीं जाती, ऐसे होते। तो ये जो हैं ये हैं अंश आवेश, अंश का आवेश हुआ। और एक है शक्त्यावेश। शक्त्यावेश का मतलब जितने भगवान की शक्तियाँ हैं, जैसे हनुमान जी महाराज भगवान की शक्ति, इनका आवेश हो जाना। दुर्गा जी की जो जितनी कलाएं हैं, जितनी उनकी शक्तियां हैं, उनका आवेश होना, उनका प्रवेश होना किसी जीव में, वो शक्ति आवेश जो है वो सब के सब दो प्रकार के हैं। एक है जो जो शक्ति आवेश हैं उनकी ज्यादा कथाएं नहीं है, और गुणावतार भगवान के जो गुण हैं, भगवान की क्वालिटी है, उनका भी अवतार होता है। भगवान की शक्ति का भी अवतार होता है, आवेश होता है। भगवान के स्वयं का भी अंश अवतीर्ण होता है, भगवान के अंश का आवेश भी होता है। इसी प्रकार भगवान के गुणों का भी अवतार होता है। जो गुणों के अवतार हैं वो क्या है? जैसे भगवान की मानो राइटिंग का, भगवान के लेखन का गुण है, वो भगवान ने वेद व्यास जी को दे दिया, तो भगवान की लेखनी के अवतार जो है वेद व्यास, भगवत अवतार ही
वो भी आवेश है, आवेश हुआ भगवान का, वहाँ भगवान की शक्ति का आवेश हुआ, जिससे कि वो अवतार कहलाए। आप लोग जो हो, आपके अंदर भी भगवान की शक्ति का जो आवेश हो जाए तो शक्ति आवेश अवतार कहलाता है। जो भी जीव है ये जीव में ही आवेश होता है, ये आवेश जीव में होता है, समझे नहीं। श्री कृष्ण स्वरूप में छह प्रकार के विलास हैं, पराभव एवं वैभव के रूप में दो प्रकार के। छह रूपे अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप ना ही बच भेद। देखिए श्री कृष्ण स्वरूप में छह प्रकार के विलास हैं, भगवान के स्वरूप में छह तरह के विलास हैं, उसमें पराभव और वैभव के रूप में दो प्रकार के प्रकाश हैं। छह विलास हैं, दो प्रकार के प्रकाश हैं, अंश और शक्त्यावेश रूप में दो प्रकार के अवतार हैं बतलाया जो है। बाल एवं पौगंड के रूप में दो प्रकार के धर्म हैं। इस तरह छह प्रकार के विलास हैं। किशोर स्वरूप भगवान जो छह रूपों से विलास करते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ वर्णन किया है, वो है पराभव और वैभव, या भी जो बतलाया ऊपर। और फिर उसके बाद है अंश और शक्त्यावेश, अंश का आवेश और शक्ति का आवेश। फिर है बाल्य और पौगंड प्रकार के, दो प्रकार के धर्म। भगवान तो किसी के बालक नहीं है, लेकिन बालक होने का जो क्रिया करते हैं वो क्रिया में भी भगवान का एक स्वभाव या धर्म या उनकी वृत्ति जो है वो दिखती है। पौगंड कहते हैं किशोर अवस्था, पो फटना, पो खिलना, पौगंड। तो ये भगवान के नव किशोर, बाल और नव किशोर दो ही प्रकार के भगवान के रूप के धर्म हैं। भगवान के रूप में दो ही प्रकार के धर्म हैं, जहाँ तो बालक हैं बाल्य हैं, जहाँ फिर किशोर हैं। वो हम जैसे किशोर के बाद में थोड़े से बुद्धे हुए ना, ऐसा नहीं, तो अनंत किशोर है। कहते इस प्रकार छह रूपों में भगवान के अनंत विभेद हैं। अभी जो छह बातें कही, पराभव वैभव, इनके कितने प्रकार होंगे, इनके अंदर कितनी कैटेगरी होंगी, इनके अंदर कितने अवतार होंगे, उनको हम गिनने चलते हैं। फिर अंश अवतार, अंश आवेश, शक्ति अवतार, फिर शक्ति आवेश। शक्ति आवेश में कितनी तरह के भगवान की शक्तियाँ, उनकी भी वृद्धि नहीं। जो किशोर स्वरूप श्री कृष्ण ने इन्हीं छह प्रकार के स्वरूप विलास में अपने विश्वव्यापी लीला है, इन छह रूपों में भी अनंत विभेद है। कहते वही किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जो हैं, उन्हीं ने जो ये विलास किया है क्षेत्र का, वो विश्वव्यापी लीला है। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा ज़्यादा सिद्धांतिक होने से आप लोगों के ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, बहुत जटिल लग रहा है। चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम तार वैभव अनंत वैभव। भगवान की शक्तियां हैं, उनमें तीन शक्तियों के नाम यहाँ उतार रहे हैं, चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति और अंतरंगा। ये नाम वाली जो शक्तियाँ हैं ये तीनों एक ही हैं।
चित्त, अंतरंगा और स्वरूप शक्ति एक एक ही है, क्रिया अलग अलग दिखती है। श्री कृष्ण की शक्तियों में एक चित्त शक्ति है जो स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। भगवान के स्वयं के शक्ति का नाम चित्त, चित्त मतलब ज्ञान, चित्त मतलब ज्ञान, वो चित्त अलग है, ये चित्त अलग है, वो चित्त है चिंतन प्रकोष्ठ। चिंतन किससे करेगा? ज्ञान से तो करेगा, चिंतन किससे करेगा? ज्ञान से करेगा। वो ज्ञान जो है वो जब चित्त नहीं है तो ज्ञान केवल है, जब वो चित्त है मतलब वो जीव रूप से वह अटक गया, फंस गया, समझे नहीं समझे? जैसे पानी तो है, हैं? पानी तो है, अभी चारों तरफ पानी है, हमारे दिख नहीं रहा है, थोड़ी सी ठंडक एक गिलास में होगी, अंदर ठंडा पानी होगा, बाहर उसके चारों तरफ पानी की बूंदें छा रही हैं। ये जो पानी की बूंदें छाई मतलब उसके चित्त की वृत्ति, उसके अंदर चित्त क्रिया करने लगा। जो पहले था वो चिद था, क्या था? चिद। तो चिद शक्ति, वही चिद शक्ति जो है चित्त शक्ति कहलाती है। वो चित्त शक्ति मतलब ज्ञान, भगवान की अज्ञान में शक्ति नहीं है, ज्ञान में शक्ति, वही ज्ञान में जो शक्ति है उसके दो नामों से जानी जाती है, एक तो स्वरूप शक्ति, दूसरी अंतरंगा शक्ति। कोई कोई अंतरंगा शक्ति कह देता, कोई कोई उसको योग माया कह देता, कोई कोई स्वरूप शक्ति कह देता है, वो एक ही है ना, जैसे एक ही तत्व है मट्टी, मट्टी तो मट्टी दिखने में मट्टी, मट्टी तो एक जैसी होती है, मट्टी एक जैसी होती है, मट्टी एक जैसी होती है, गिली सूखी नहीं, मट्टी की बात करें, एक जैसी होती है, एक जैसी होती है, एक जैसी मट्टी के जो मतलब क्वालिटी कहते हैं वो तो काली भी है, पीली भी है, लाल भी है, काली है, पीली है, लाल है, सफ़ेद है, तिलक का रंग है हल्का हल्का पीला पीला का, ये सब मट्टी होने पर भी सबके अंदर जैसे वैरायटीज हैं ऐसे ही भगवान की बहुत सी शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों में चित्त शक्ति जो है भगवान की स्वयं की शक्ति, उसके अलग अलग तरह के नाम इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग क्रिया करती है, वो सेम शक्ति। जैसे स्वरूप शक्ति है और अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति का क्या काम है? भगवान के स्वरूप शक्ति, भगवान के अपने रूप की शक्ति, वो तो भगवान के अनुरूप ही होगी, वो क्या काम करती है? भगवान के आनंद के वर्धन के लिए तरह तरह की लीला करती है, जो स्वरूप शक्ति है। और वही स्वरूप शक्ति अंतरंगा कहलाती है, क्यों कहती है कहलाती है अंतरंगा? भगवान के अंदर की बात को जान करके क्रिया करती है, सेम हो गया ना? अंतरंगा का तो स्वरूप शक्ति का काम बखरे बखरे हो गए, पर गल एक ही है। और वही चित्त शक्ति मतलब भगवान को अखंड ज्ञानमय तत्व कहते हैं। तो अखंड ज्ञानमय तत्व के अंदर जो इच्छा आई वो चित्त शक्ति कहलाई। माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण तारो अनंत ब्रह्मांड जगत, जो माया शक्ति है उसको कहते हैं बहिरंगा, उसको क्या कहते हैं? बहिरंगा शक्ति जगत कारण तार वैभव अनंत ब्रह्मांड जगत, जो माया शक्ति है उसे बहिरंगा कहते हैं। बहिरंगा अंतरंगा, अंतर मतलब हृदय, अंगा मतलब हृदय से प्रकट, बहिर मतलब बाहर, बाहर से प्रकट हो। सेम शक्ति जो अंतरंगा है वही बहिरंगा के रूप में प्रतीत होती है,
जैसे आदमी की छाया आदमी की तरह दिखती है ना आपको, आदमी की छाया आदमी की तरह दिखती है। छाया का मतलब यहाँ प्रतिबिंब बोलते ना, पहले बोलते थे ना फिल्म को देखने के लिए छाया चित्र, पहले छाया चित्र बोलते चलते हुए चित्र छाया चित्र। तो छाया ब्रह्मांड जो माया की छाया है, मतलब योग माया की अंतरंगा शक्ति की जो छाया है वो है महामाया। उसी माया को, उसी को माया शक्ति कहते हैं, उसी को बहिरंगा शक्ति कहते हैं। ये दोनों शक्तियां ही जगत का कारण है, मतलब जगत जो है इन्हीं से होता है। तो जो कहा जाता है भगवान के रोम कूप में ब्रह्मांड है, फिर वो क्या ब्रह्मांड, रोए रोए में ब्रह्मांड बोलते हो क्या? वो कहते कारण का भी कारण है, इसलिए भगवान को क्या कहा है, कारण सर्व कारण कारणम। ये कारण है वास्तविकता में माया शक्ति बहिरंगा शक्ति जगत कारण, इनके भी कारण कृष्ण है, इसलिए इन्हें कारणों का कारण कहा। और इसी माया शक्ति का जो वैभव है वो क्या है, वैभव मतलब इन्होंने अपना जो विस्तार किया कैसे किया, ये जो 84 लाख योनियों के रूप में और जगत को जन्म दे करके उसको स्थायी बनाने के रूप में जितना भी कार्य है, ये सारे का सारा माया शक्ति समझ आ गए। आगे समझ बन आ गया, समझ आ गया थोड़ा थोड़ा। जीव शक्ति तटाख्या तटस्थाख्या नहीं जात अंतर मुख्य तीन शक्ति तार विविध अनंत। भगवान की तीन शक्तियां मुख्य हैं उसके बारे में बता रहा, पहले बतलाया अंतरंगा का, फिर बाया बता बहिरंगा का, अब बता रहे जीव का। जीव शक्ति के बारे में बोलें, इसका नाम तटस्थाख्य, आख्य मतलब होता है बोला जाने वाला, तटस्थ बोला जाने वाला आख्य, यार नहीं, यार नहीं अंतर, जिसका कोई अंतर। मुख्य तीन शक्ति मुख्य जो तीन शक्ति हैं उनमें ये तटस्था जो है ये अनंत है, ये भी अनंत है। मतलब कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसका अंत हो। कोई ऐसा तत्व नहीं जिसका अंत हो, खत्म हो। अंत केवल उसका होता है जो उस तत्व से निर्मित संसार होता है। जैसे पांच तत्वों से निर्मित ये संसार है, पांच तत्व तो खत्म नहीं होंगे, पांच तत्व तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन कुछ साइंटिफिक कारणों से ऐसे लगता है कि पांच तत्व भी खत्म होते हैं, लेकिन होंगे नहीं। ये कारण है ये जगत का, कॉज जो है ये है। लेकिन इनमें जो प्रमुख रूप से काम करती है शक्ति, मतलब एक अणु से दूसरे अणु को जोड़ती है जो शक्ति, उस शक्ति का नाम आत्मा है। जैसे हमेशा आदमी सांस लेता है, लेकिन जब सांस विशेष रूप से लेने का प्रयास करता है, एक लंबा गहरा सांस लेकर के रोकना, रोक करके धीरे धीरे कुछ देखिए, सारी शक्तियां भगवान के अनंत कही गई, क्यों? भगवान स्वयं अनंत है,
जिसका स्वयं का अंत नहीं, तो उसकी शक्तियाँ कैसे अंत हो जाएंगी, शक्तियाँ कैसे खत्म हो जाएंगी। अगर गैस चूल्हा जलाया है तो गैस चूल्हा जलाया जब तक गैस है तब तक ही रहेगी। भगवान का चूल्हा जल रहा है मतलब भगवान की शक्तियाँ चल रही हैं, और जब तक भगवान है तब तक रहेगा, तो भगवान अनंत है फिर भगवान की शक्तियाँ भी। सिंपल सी थ्योरी, साधारण सा इसका भाव। यही तो स्वरूप गन्ना तीन शक्ति सवार श्री कृष्ण कृष्ण सवार ब्रह्मांड गणे पुरुषादि सवार कृष्ण मूला। कहते यही जो बातें बतलाई इसमें एक स्वरूप गण है, जो स्वरूपों के बारे में बताया ना, प्रभाव वैभव स्वरूप रूप अंश सत्तर, वो एक स्वरूप है, स्वरूप गण है। और दूसरी है तीन शक्तियाँ, स्वरूपगण और दूसरे का तीन शक्तियाँ, जिन सबके आश्रय केवल मात्र कृष्ण ही है और सारी की सारी कृष्ण में ही स्थित है। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय श्री पुरुषादि सवार कृष्ण मूल आश्रय। कहते यद्यपि देखा जाए तो ब्रह्मांड जितने उनका आश्रय ये विष्णु भगवान है, लेकिन उन विष्णु भगवान का भी जो आश्रय है वो है कृष्ण। जितना भी ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड है उन सब ब्रह्मांडों के आश्रय मतलब ब्रह्मांड जिनके कारण से हैं वो है विष्णु, और उन विष्णु जिनके कारण से वो है कृष्ण। फिर कोई क्वेश्चन कर सकता कृष्ण किसके कारण से, कहते कृष्ण किसी के कारण से नहीं, क्योंकि वो कारण कारण सर्व कारण कारण सभी कारणों के कारण, इसलिए किसी के आश्रय में नहीं है, सब उनके आश्रय में ही है। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय परमेश्वर कृष्णा सर्वशास्त्र कै। स्वयं भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, कृष्ण ही सर्व के आश्रय हैं, परमेश्वर जो है वो कृष्ण है, सब शास्त्र यही कहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा है ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। ये वंशा कल कर कृपा से कविता नाम पावन दर्शन क्या बोले उसको पर मार पड़ेगी होता है अब बोलेगा। Thank you.
फिनिश समापन होता है। आई थिंक टुडे मैनी पीपल दे कांट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ टॉपिक वॉज वेरी मच टफ सो फॉर दैट रीजन मे बी मे मैनी पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स ओके जय राधेश्वर।